तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड नवदीप। आज है 24 तारीख, कल है क्रिसमस और आज है क्रिसमस ईव। सब लोग पार्टी मोड में हैं। सब लोगों ने बता दिया है भाई कि आज हम नहीं आ रहे हैं, कोई अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पार्टी मोड ऑन है। और मैं निकला हूँ अभी घर से, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऑफिस जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, कुछ चीज़ें चार्ज करनी है ताकि वीडियो परफेक्टली बन सके, गोप्रो की बैटरी चार्ज करनी है, मोबाइल भी चार्ज नहीं किया, मोबाइल चार्ज करना है और उसके बाद फिर हम राइड पे निकलेंगे। आज थोड़ी सी लंबी राइड होगी और कुछ काम होंगे जो बहुत ज़रूरी, बहुत दिनों से पेंडिंग है। यहाँ पे सामने भी शायद, अच्छा स्कूलों में भी तो आज पार्टी है ना, कैसे वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, स्कूलों में, चलो ठीक है। हाँ तो स्कूलों में भी कुछ ना कुछ है, आज दिखाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी भीड़ है, कुछ तो है। पार्टी तो नहीं लग रही है, कुछ और ही कहानी लग रही है। अभी हमें एक गाड़ी उड़ा देती या मैं गाड़ी को उड़ा देता, कुछ तो हो रहा था, मेरा ध्यान राइट में था, मेरी गलती होती आज, मैं अपनी गलती मानता स्वयं से कि ये हमारी गलती है, आप बताइए आपको क्या नुकसान हुआ है, हम रेडी हैं भरने के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता था यहाँ पर, लेकिन हम बच गए। तो पार्टी मोड है भाई, पार्टी मोड बच्चों का सबका। हाँ जी, पार्टी पार्टी होने वाली है, शाम को लगता है कुछ मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ ये सब लोग ग्रेटर नोएडा छोड़ के कहीं और चले जाएंगे पार्टी करने, दिल्ली चले जाएंगे या नोएडा चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो शाम होने का इंतज़ार है, देखेंगे शाम को क्या बदलता है, क्या होता है। अभी इतनी स्लो गाड़ी मेरे आगे चल रही है, मेरे को डर लग रहा है मैं ही क्रॉस कर जाता हूँ, भाई मुझसे लग गई या उनसे लग गई, गलती तो मेरी ही रहेगी। हाँ थोड़ी अच्छी धूप निकली है, जाम सड़क से चलेंगे। हाँ आज भी बस, और मजाक नहीं उड़ाऊंगा इस सड़क का, है जाम सड़क है, बस नाम रख ही दिया है। जब हमने दिया रास्ता, क्यूट सी बच्ची, छोटी सी, बच्चे बड़े क्यूट होते हैं यार। आज जाम सड़क पे जाम कम है, बिल्कुल जाम नहीं है, कोई गाड़ी है ही नहीं मेरे सामने, मेरे को दिखाई नहीं दे रही कोई गाड़ी, नहीं एक भी गाड़ी नहीं है आज, आज इतना खाली कैसे है ये। मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं चल रही, सड़क बिल्कुल साफ है, मेरे को गाड़ी दिखाई नहीं दे रही आज, कोई है ही नहीं गाड़ी कोई मेरे आगे ना, एक गाड़ी नहीं है भाई साहब, पूरी पार्किंग भी खाली है, सब कुछ खाली है, देखो कोई कुछ भी नहीं है आज, आज कोई आया नहीं है ऐसा लग रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने सीन देखा, जो यहाँ पे एक परी चौक है जो मैंने आपको दिखाया भी वीडियोस में, वहाँ बस भर के आती है और वो लोग उतरते हैं, वो सारे सबके हाथ में एक एक बच्चा, वो सभी मांगने वाले कम से कम 50-60 लोग बस में, और बस भी कौन सी, वो वाली होती है जो बढ़िया वाली एसी वाली बस। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कब से होने लगा। तो उनको पिक एंड ड्रॉप मिला हुआ, मतलब ये मान के चलो वो सुबह छोड़ जाते हैं यहाँ पर और शाम को लेने आती है बस। तो पुलिस वालों ने देख लिया, इन्हें भगाया, वहीं से वापस चढ़ा दिया बस में, चलो वापस, यहाँ नहीं उतरेगा कोई भी, तो वो 2-4 किलोमीटर बाद जाके उतरे होंगे फिर। बताओ, आज सोचा था बहुत कुछ करेंगे लेकिन एक वीडियो एडिट करने बैठा था और लैपटॉप क्रैश हो गया, क्रैश मतलब चलते चलते बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बहुत सारे रीज़न ढूंढ चुका हूँ अब तक, सारे मतलब जो जो लगा कि इस वजह से बंद हुआ है वो सब ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन असफल रहे हम इस सब काम में। मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली।
ये चार्जर लगा हुआ है, चार्जिंग हो रही है, बैटरी यहाँ से दिख रहे हैं तो सुपर ड्रेन चल रही है, और इस चीज़ को ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं चार्ज होते हुए इसको, लेकिन ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही। एक दो बार बीच में ऑन हुआ लेकिन ऑन होते ही क्रैश हो जाता है फिर से। ये वाली लाइट देखो नहीं जल रही, यहाँ पर लाइट जो जलती है वो भी नहीं जल रही, तो बैटरी बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं ले रही है। इतनी सारी कोशिशें कर चुका हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं वेट करते हुए, वीडियो एडिट करना था कल वाला ताकि आज रात को वो वीडियो आ सके, लेकिन अब हमने जब सोच लिया है कि 9 बजे रोज़ वीडियो आएगा तो ये ड्रामे शुरू हो गए हैं ये वाले। तो आज का वीडियो कैसे आएगा अब तक कुछ नहीं पता है, दोपहर होने वाली है करीब करीब, कितने बज रहे हैं टाइम भी नहीं देखा मैंने, तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए मेरे को यहाँ बैठे हुए कि ये चल जाए। 3 बज चुके हैं भाई साहब, 3 बज चुके हैं। नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे मुझे वीडियो एडिट के लिए भी चाहिए, और जो दूसरा लैपटॉप है उससे कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं एडिट करूँ। तो इसमें अब मेरा एक सिस्टम बन चुका था, ऑटोमेशन पे था सब कुछ, सिर्फ वीडियोस को डालना होता था और सारी चीज़ें रेडी होती थी, क्या क्या उसमें लगाना है क्या क्या होना है। अब मेरे को वो सब काम दोबारा करना पड़ेगा, तो ये मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि उस वाले लैपटॉप में वो वाली चीज़ें नहीं हैं, सारे लॉगिन्स नहीं हैं, और मैं उसमें करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक ही लैपटॉप में सारे लॉगिन रहे, लेकिन वो भी करना पड़ेगा। तो वापसी चलते हैं सब, आज छुट्टी है वैसे भी कोई आया नहीं हुआ, वापसी चलते हैं घर, घर जाके दूसरा लैपटॉप सेटअप करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, और देखो व्लॉग आता है आज या नहीं आता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपका मित्र आपका दोस्त नवदीप, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट आते रहते हैं हमारे। और चलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए चार्ज में लगा के कुछ नहीं हो रहा है, तो दूसरा वाला लैपटॉप सेटअप करने की कोशिश करते हैं, और एक दो काम छोटे मोटे बाइक में कराने हैं वो भी करा लेते हैं आज। मिलते हैं जी। तो दोनों लैपटॉप लेके चले हम घर की तरफ, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, 2-2.5 घंटे हो गए चार्जिंग में लगाए हुए बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब घर जाके भैया को दिखाते हैं, हो सकता है इसकी बैटरी निकाल के एक बार दोबारा लगानी पड़े। वो टूल किट भी घर पे ही है जिससे वो खुलेगा, और दूसरा वाला ले लिया है। इतनी सारी कुर्सियाँ कहाँ लेके जा रहा भाई, ज़बरदस्त इतनी सारी कुर्सियाँ एक साथ लेके जा रहा है। कल के दिन मेरी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी भी है, क्रिसमस के दिन ही शादी हुई थी सन 2010 में, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स जस्ट ख़त्म ही हुई थी और तभी उसकी शादी हुई थी दिसंबर में, 25 दिसंबर मुझे याद है वो दिन। तो भाई कल उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या बोलूँ मैं आपको साहब, फिर आ गए सामने से, रॉन्ग साइड तो हमारे यहाँ पे बड़ी आम चीज़ है। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स यार, कल हाँ कल वो कराना था ना ब्लड टेस्ट, वो कराया नहीं है, मैं केयरलेस होता जा रहा हूँ, मुझे अपनी परवाह नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता हॉस्पिटल के अंदर घुसने का, मुझे लगता है ये लोग मुझे किसी दिन बांध लेंगे यहाँ पर। एक अंदर से ना एक ऐसी सी मेरे को फीलिंग आती है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा और मुझे वहाँ बांध लिया जाएगा और 3-4 ऑपरेशन करके घर भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, इसलिए मैं डरता हूँ, पता नहीं क्यों डरता हूँ, क्या बीमारी है क्या है सिस्टम। अब छोटा सा काम है सिर्फ ब्लड देकर आने हैं, सैंपल वाले को घर बुलाऊँगा तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, खुद जाता हूँ तो पैसे कम लगेंगे, लेकिन वो भी कर सकते हैं। पिछली बार फुल बॉडी के लिए घर पे बुलाया था, फुल बॉडी टेस्ट जब था बहुत सारा ब्लड ले गया उस दिन। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रही, हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं लेफ्ट में ही हैं,
काम भी 2 ही मिनट का है, रिपोर्ट शाम तक आ भी जाएगी, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। मेरा डर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि कहीं ये हॉस्पिटल वाले मुझे रख तो नहीं लेंगे, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। बस इन्हीं सब टेंशनों में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्या किया जाए? आप लोग बताओ क्या किया जाए। बाइक तो मैंने घुमा ली है हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि यार मेरे को ना कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। मेरी बॉडी में ब्लड 6 आ चुका है, मतलब लास्ट टेस्ट जब कराया था तो 6 था, तो क्या होगा? वीकनेस तो होती है फील, ऐसा नहीं है नहीं होती। बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है कि अभी गिरा अभी चक्कर खा के गिर जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वो संभलती जा रही है अब तक सिचुएशन। आगे कितना और संभलेगी नो आइडिया, चलते हैं पूछते हैं अगर टेस्ट हो जाए अभी तो। तो हम आ चुके जी सहदेव हॉस्पिटल, घर के पास ही है। तो जी कहते हैं डर के आगे जीत है, मैं ब्लड सैंपल दे ही आया, मेरे को डर लग रहा था बहुत कि दूँ ना दूँ, बस दे आया मैं ब्लड सैंपल। अब वेट रहेगा रिपोर्ट आने का, क्या रिपोर्ट आती है। तो जो लास्ट टू लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि मैं ऐसा कह सकूं कि हाँ मैं फिट हूँ और मैं अब जा रहा हूँ यहाँ और जा रहा हूँ वहाँ, वो वाला दिन आ जाए बस जल्दी, मेरी रिपोर्ट ऐसी आ जाए कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद मैं जा सकूँ, कहीं भी जा सकूँ, कह सकूँ कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं इस शहर में जा रहा हूँ या इस शहर से आ रहा हूँ, ऐसा कुछ कह सकूँ। बस वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। बहू